साहिबगंज झारखंड स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर भगवत मरंडी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर सुविधा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पूरे परिसर में घूम घूम कर सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन एवं निरीक्षण किया। साथ ही इलाज करा रहे सभी मरीजों से बातचीत के दौरान गर्भवती महिलाओं ने अपनी पीड़ा को सुनाते हुए कहा कि यहां पर तैनात बच्चे का चिकित्सक डॉक्टर महमूद आलम कभी भी सदर अस्पताल नहीं आते हैं, जिस कारण बच्चे का सही ढंग से जांच नहीं हो पाती है। आगे कुछ महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर महमूद आलम हम लोगों को अपने क्लिनिक में ही बुला लेते हैं और पैसे लेकर जाँच एवं इलाज करते हैं। आपसे नहीं मांगेगा पता नहीं है जी, तो ये ना मांगेगा तो आप बोलिए आप यहाँ है नहीं, यहाँ तो हम बच्चा भी दिखाएं नहीं है, ले जाइए बाहर महमूद सर के पास। इस पर निदेशक डॉक्टर मरांडी ने तुरंत डॉक्टर महमूद आलम से फोन पर बात कर शिकायत के मामले में पूछा तो डॉक्टर महमूद आलम इस शिकायत पर कुछ जवाब नहीं दे सके। मौके पर डॉक्टर मरांडी ने गर्भवती महिलाओं को इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। डॉक्टर साहब प्रणाम, अरे यहाँ डिलीवरी अस्पताल में आप आते हैं बच्चा को देखने के लिए? क्यों, मैंने आपको रखा इसी के लिए कि अस्पताल का फिर आप सुधारिएगा, ये तो बहुत गलत बात है, हमको दुखी कर दिया। आप याद कीजिए मैंने आपसे सेक्रेटरी से लड़ के आपको यहाँ रखा है इसी पर्पज़ के लिए कि यहाँ डिलीवरी होता है। दूसरी बात सुनिए ना जी, क्या सुनेंगे आपसे, दूसरी बात कि यहाँ बच्चा डिलीवरी होता है जो भी बच्चा डॉक्टर को दिखाने का होता है आपके यहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ फीस भी लेते हैं, ये बहुत गलत बात, रिपोर्ट होगा, खैरियत नहीं, बहुत गलत काम कर रहे हैं आप लोग। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मरांडी ने कहा कि महमूद आलम को मेरे ही रिक्वेस्ट पर स्वास्थ्य सचिव के द्वारा साहिबगंज जिला में पदस्थापित किया गया था क्योंकि ये क्षेत्र से मेरा लगाव था और यहाँ पर बच्चे के लिए भी चिकित्सक की काफी कमी थी क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन के द्वारा भी डिलीवरी की जाती है, जिस कारण यहाँ पर बच्चे का चिकित्सक का होना अनिवार्य होता है। वहीं आगे कहा कि शिकायत महिलाओं के द्वारा किया गया है जो बहुत ही गंभीर विषय है, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दूंगा और यहाँ के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांग कर आगे की कार्रवाई करूंगा। ये बहुत गलत बात, रिपोर्ट होगा, ये खैरियत नहीं, बहुत गलत काम कर रहे हैं आप लोग, गंभीर सुधर जाइए आप, नहीं तो कार्रवाई होगी भयंकर, कार्रवाई तो हम शुरू कर देंगे, ये गलत बात है आपका।